हाय ओके तो आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने बच्चों के रूटीन्स को लेकर के या फिर उनको कैसे दिन में एंगेज कर सकते हैं, उनको कैसे बिजी कर सकते हैं और उनसे कंस्ट्रक्टिव वर्क करवा सकते हैं विदाउट स्क्रीन टाइम दिए हम बच्चों को कैसे बिजी कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए देख रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, हो सकता है आपको कहीं कहीं पर इससे हेल्प मिले। तो सबसे पहले बच्चों को बिजी करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई भी उनकी 5 फेवरेट एक्टिविटीज़ निकालनी है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लाइक क्ले, कलरिंग, ड्राइंग, पजल्स या फिर ब्लॉक से प्ले करना, स्लाइम से प्ले करना, रीडिंग करना, म्यूजिक सुनना, डांस करना, सिंगिंग करना, सो मेनी एक्टिविटीज़। ये इनमें से कुछ कुछ बच्चों का कुछ कुछ फेवरेट होता है, तो आपको ये पिक करना है कि आपके बच्चे का फेवरेट चीज़ें क्या हैं। आपको 5 एक्टिविटीज़ निकालनी है जिसमें आपके बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और 5 ऐसी एक्टिविटी निकालनी है जिसमें आपको पता है कि ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और आपका थेरेपिस्ट आपको बोलता है कि ये एक्टिविटी आपको बच्चे से करानी है या आपको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चा बहुत अच्छे ढंग से काम रह सके। तो उन एक्टिविटीज़ में स्पीच की एक्टिविटी हो सकती है, मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज़ हो सकती है, बच्चे की बेसिक एक्सरसाइज हो सकती है, उनके कामिंग थेरेपी हो सकती है, म्यूजिक थेरेपी हो सकती है, सो मेनी एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स हो सकता है। आपको अब अल्टरनेट करना है, लाइक एक एक्टिविटी जो आपके साथ होनी है जो एक्चुअली में जिस पे आपको काम करना है और एक एक्टिविटी जो बच्चा खुद करेगा अपने इंजॉयमेंट के लिए। तो इस तरीके से बच्चा बहुत ज़्यादा काम रहेगा क्योंकि उसे पता है कि जो एक्टिविटी वो आपके साथ कर रहा है इसके बाद उसका कोई फेवरेट एक्टिविटी होने वाला है, तो बच्चा कंसिस्टेंट बिजी रहेगा। आपके पास पूरी 10 एक्टिविटीज़ होंगी, सो हाफ एन आवर आपको अपनी एक्टिविटीज़ करानी है एंड हाफ एन आवर उसको उसकी एक्टिविटीज़ करने देना है ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा ऐसा ना फील करे कि उसे हर चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है या फिर उसे बहुत काम कराया जा रहा है, तो वो भी अपना टाइम इन्जॉय कर सके। सो ऑलवेज प्लान लाइक हाफ एन आवर आपका, हाफ एन आवर बच्चे का, हाफ एन आवर आपका, हाफ एन आवर बच्चे का। जैसे सपोज करिए ईशा के साथ जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो ईशा के साथ मैं जो स्टार्ट होती है हमारी वो म्यूज़िक थेरेपी से होती है। मैं एक कामिंग म्यूज़िक लगाती हूँ और उसको उठाती हूँ, उसको थोड़ा सा मसाज देती हूँ, जेंटल मसाज देती हूँ और उसके सारे जॉइंट्स पे प्रेशर को रिलीज़ करती हूँ क्योंकि उसे प्रेशर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद वो सारी एक्सरसाइजेस टैक्टाइल की करती है, उसके 20-25 मिनट्स मॉर्निंग में सबसे पहले उसकी एक्सरसाइज होती है, उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट होता है एंड देन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है। ऑनलाइन क्लास के बाद मैं ईशा को पूरा 40-45 मिनट्स का देती हूँ काम डाउन, जहाँ पर ईशा जो मन करे वो कर सकती है, वो अपना सेंसरी टाइम आउट ले सकती है, अपने कमरे में जा सकती है। उसका एक कमरा है जहाँ पर मैं उसे बोलती हूँ तुम्हें जो स्ट्रमिंग करनी है, तुम्हें जो बिहेवियर करना है, तुम इस रूम में इस कॉर्नर पे कुछ भी कर सकती हो। तो प्लीज़ आप अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर बनाइए जहाँ पर बच्चा जैसा चाहे वैसा बिहेव करे, वो कॉर्नर बिल्कुल सेफ कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे बच्चा अपने आप को हार्म ना कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बच्चे को सेंसरी टाइम आउट दें। तो जब बच्चा आपको दिख रहा है कि कोई ऐसा काम कर रहा है जहाँ पर बच्चा थोड़ा सा उसकी एंजाइटीज बढ़ सकती हैं, तो आप तुरंत बोलिए कि वो कॉर्नर तुम्हारा है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। उसके बाद आप अपनी वो 10 जो आपने एक्टिविटीज शेड्यूल करी हैं वो 10 एक्टिविटीज़ आप उसके साथ कीजिए। ये चीज़ सेटल होते होते लगभग आपको 1-2 हफ्ता लगेगा। मेरा ईशा के साथ जो रूटीन रहता है मॉर्निंग में प्रेयर एंड योगा रहता है और फिर उसके साथ मैं बहुत सारी स्पीच थेरेपी और लैंग्वेज थेरेपी से रिलेटेड कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ, फाइन मोटर स्किल्स और जो मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, उस पर काम करती हूँ। उसकी कुछ मैंने घर पर स्विंग मंगवाया हुआ है तो वो अपना स्विंग करती है, नहीं तो आप एक स्विंग चेयर ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी बच्चों को बहुत काम करती है। तो आप स्विंग चेयर यूज़ कर सकते हैं जिसमें बच्चा स्विंग करके अपने आप को काफ़ी अच्छे ढंग से काम डाउन कर सकता है। और इसके अलावा आप जैसे डेली पार्क लेके जाइए, बच्चे को आधे घंटे की वॉक पे लेके जाइए, तो जो भी ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बच्चे को कहीं ना कहीं कामिंग इफेक्ट देती हैं और जितना बच्चा काम रहेगा उतना ही आपका काम बहुत ईजी रहेगा उसे कोई भी चीज़ न्यू चीज़ लर्न करवाना। तो ईशा के साथ मेरा जो रूटीन होता है वो मॉर्निंग में म्यूज़िक थेरेपी से स्टार्ट होता है, देन प्रेयर एंड योगा होता है, उसके उसके ऑनलाइन क्लास होती है, उसका फ्री प्ले होता है, उसका वो कॉर्नर सेंसरी रूम होता है और उसके बाद मेरी वो 10 एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं जो 5 उसकी फेवरेट होती हैं और 5 मेरी फेवरेट होती हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में मैं जो काम करवाती हूँ उसे आप उनमें से कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जैसे कि स्पीच से रिलेटेड, बच्चा जिस लेवल पर है आप उस लेवल से स्टार्ट कीजिए। स्पीच थेरेपी का पहले आप सेशन सिर्फ 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, धीरे धीरे एक्सटेंड करके आप उसे 25 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स में आप क्या करवा सकते हैं कि जैसे कि आप क्लिप्स ले सकते हैं जो हम लगाते हैं ना, क्लिप्स
जो कपड़े में लगाने के लिए जो क्लिप्स यूज़ होते हैं उससे आप बच्चे से चीज़ें उठवा सकते हो, तो उससे क्या होगा कि फिंगर और जो थम होता है इसके मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से हो पाता है, तो इससे बच्चे राइटिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप बच्चे से इस तरीके से राजमा आप डालो और सॉर्ट करवाओ कि एक डब्बा राजमा का है, एक चने का है, एक कॉफ़ी बीन्स का है, और उसको उठवा करके डलवाइए, तो उससे वो सॉर्टिंग भी कर रहा है और दूसरी चीज़ वो क्या कर रहा है, फाइन मोटर स्किल्स के भी काम कर रहा है। और आप बच्चों से वो कंसंट्रेशन एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, ट्रेसिंग करवा सकते हो, जैसे कि होता है ना थ्रेड होता है उसके अंदर आपको मोती डालने होते हैं, ब्रेसलेट्स बनाते होते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो फॉर फोकस एक्टिविटीज़। आप कुछ शीट्स दे सकते हो, वर्कशीट्स बना सकते हो, जैसे कि ईशा का ही फेवरेट चीज़ है कि मैं उसको वर्कशीट्स बना बना के देती हूँ कि व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर, फोकस करने के लिए। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो वर्ड्स मिसिंग मैं कर देती हूँ, लाइक काओ है तो ओ बीच में गायब कर दिया, मम्मा है तो यू और ए गायब कर दिया, इस तरीके से आप बच्चे कर सकते हो। इससे क्या होता है, बच्चे का जो ब्रेन होता है वो बहुत अच्छे ढंग से लॉजिकल ब्रेनिंग होती है। इवन एंड ऑड कर सकते हो, चार चीज़ें सेम है उसमें से कोई एक चीज़ डिफरेंट है तो उसको बच्चा सॉर्ट करे कि क्या चीज़ें। ये सब एकेडमिक्स वाले पार्ट है, बट ये बच्चा कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। जैसे क्ले होता है, मैं क्ले के अंदर इसके राजमा बीन सब कुछ भर देती हूँ और मैं उसे बोलती हूँ कि ईशा निकालो कितने हैं ये काउंट करो और मुझे बताओ कितने हैं। तो जो उसकी एक्टिविटीज़ भी हैं, जो प्ले वाली एक्टिविटीज़ भी हैं, उसमें भी मैं उसको कुछ कुछ टास्क देती रहती हूँ ताकि वो चीज़ें जो है वो कंस्ट्रक्टिव वे में हो पाएँ। स्क्रीन टाइम ईशा का 2 घंटा होता है। अगर ईशा का ऑनलाइन क्लास बहुत लंबे टाइम तक हो रहा है तो उसका स्क्रीन टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे ना दूँ, लेकिन मुझे उसके स्क्रीन टाइम मिनिमम आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे का कम से कम मुझे उसे देना पड़ता है। इतना आपको देना पड़ेगा ताकि बच्चे कुछ कुछ कार्टून्स भी देख सके, कुछ कुछ स्टोरी भी समझ सके, राइम भी गा सके, सॉन्ग्स भी प्ले कर सके, सॉन्ग भी देख सके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, आप अपने बच्चे के ना फेवरेट पार्ट्स ढूंढिए। लाइक जैसे कुछ बच्चों को सिंगिंग बहुत इंटरेस्ट है तो आप सिंगिंग की क्लास करवाइए, बच्चों को डांस में इंटरेस्ट है तो डांस की, कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है तो आप स्पोर्ट्स में डालिए ताकि बच्चों की जो एनर्जी है ना वो चैनलाइज हो सके। जैसे ईशा की एनर्जी डांस में बहुत चैनलाइज होती है, मैं उसे डांस सिखाती हूँ ताकि वो अपनी एनर्जी को सही जगह पर यूज़ कर सके। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच, हम जल्दी मिलेंगे। बाय।